नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबेल के यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, होली का त्यौहार आने ही वाला है और यह होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार माना जाता है। होली का पर्व बहुत ही प्राचीन है। होली का त्यौहार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पतिव्रता तिथि को मनाया जाता है। अगर पतिव्रता तिथि दो दिन पड़ रही है तो पहले दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं होली 2021 में किस दिन मनाई जाएगी। साल 2021 में होली का दहन 28 मार्च रविवार के दिन मनाया जाएगा। 29 मार्च को धुलंडी मनाई जाएगी, यानी खेलने वाली रंगों की होली 29 मार्च को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली वाले दिन कौन कौन से शुभ उपाय करके आप जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मगर आपने उससे पहले अगर हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा सारी वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, होली का त्यौहार बहुत ही शुभ माना जाता है और शास्त्र में भी इसे बहुत महत्व दिया गया है। इस दिन मात्र कुछ आसान से उपाय करके आप अपने जीवन के दुखों और कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आगे क्या है वह उपाय। होली के दिन आपको एक काले रंग का कपड़ा लेना है और उसमें काले तिल डालने हैं, 3 सुपारी, 7 लौंग, 50 ग्राम सरसों और किसी स्थान की मिट्टी लेकर पोटली बना लें। अब इसे अपने या अपने परिवार के ऊपर से 7 बार उतार कर होलिका दहन में डाल दें। इससे आपके परिवार पर अगर बुरी नज़र लगी है तो वह उतर जाएगी। अगला उपाय है दोस्तों, होली के शुभ दिन 9 नींबू की माला बनाएं। जी हाँ, 9 नींबू लें और उसकी माला बना लें और भैरव बाबा को चढ़ाएं। इससे आपके धन संबंधी परेशानियाँ दूर होंगी। उड़द की दाल ले लें, उड़द की दाल के दही बड़े बनाएं और जलेबी बनाएं और इसे 7 सफाई कर्मचारियों में बांट दें। जी हाँ, आपको क्या करना है, आपको दही बड़े बनाने हैं उड़द की दाल के और जलेबी बनाना है और इसे 7 सफाई कर्मचारियों में बांट देना है। अगला उपाय है, होलिका दहन के समय जो आग जलती है, अंगार जलती है, होलिका जलती है, उसमें पापड़ सेक कर खाने से धन की कमी दूर हो जाएगी। जी हाँ, आपको उसमें पापड़ सेक कर खाना है और इससे आपकी अगर सेहत पुराने टाइम से आपको बीमारियों ने घेरा हुआ है तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही बहुत आपको एक फल मिलेगा। आप ये उपाय कीजिए, पापड़ सेक कर खाइए होलिका के अंगार में से और आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगला उपाय है दोस्तों, अपने हाथ से गोबर के कंडे बनाने हैं आपको और फिर इन कंडों को 7 बार अपने भाई और बहन के ऊपर से वारे, मतलब कि आपको गोबर लेना है, उस कंडे बनाने हैं और फिर इन कंडों को 7 बार अपने भाई और बहन के ऊपर से वारना है। इसके पश्चात ये कंडे होलिका दहन में डाल दें। इस उपाय से आपके भाई को जो और आपके बहन को अगर बुरी नज़र लगी हुई है उससे आपके भाई बहन जो है उनके ऊपर से संकट टल जाएगा। ये उपाय आप भाई बहनों के लिए कर सकते हैं। होलिका दहन से मिलता है हमें बहुत फल। होलिका के शुभ मुहूर्त में शाम के समय लोग अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर होलिका दहन करते हैं और सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। इस पवित्र अग्नि में माना जाता है कि जौ को भूनकर अपने प्रियजनों के बीच बांटना चाहिए और यह भी माना जाता है कि आग में जौ जलाने से सभी तरह के दुख और समस्याएं दूर हो जाती हैं, तो जीवन में सकारात्मकता आती है और उत्तर भारत में तो विशेष रूप से होलिका दहन की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से साझा करें ताकि वो भी इन उपायों को करके सुख समृद्धि और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से मुक्ति पा सकें। आप सभी को एस्ट्रोबेल की तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।